लल्ला के पास और बनवाता हूँ लाल चाय, क्योंकि मैं कुछ देर पहले बोला भाई चल लाल चाय बना, तो उसका नींबू नहीं था, तो मैं घर से नींबू लेके जा रहा हूँ और मस्त लाल चाय बना। मस्त नींबू में डाल के बना भाई चाय, आनंद लेते हैं। ये पूरा कच्चे का दीवाल है और कच्चे के दीवाल में रहने का मजा अलग है, क्योंकि इसमें ठंडक होता है, ठंडा तो लगता है। मिक्सर लाया, मिक्सर खाते हैं। तो पहले मिक्सर का आनंद ले लेते हैं और उसके बाद खाते हैं, नहीं उसके बाद लाल चाय पिएंगे। क्या तो मेरे को इससे ज़्यादा अच्छा, क्योंकि ये इसके पास मंटूरा मिक्सर भी है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में एक मंटूरा नाम का मिक्सर है जो काफ़ी फेमस है और मस्त चल रहा है, तो मंटूरा का मिक्सर खाते हैं। ये वाला मिक्सर जी, ये मिक्सर मस्त चल रहा है, बिकट टेस्टी होता है। तो पहले मिक्सर का आनंद लेते हैं, फिर चाय का आनंद लेते हैं। थोड़ा सा बरसात के मौसम में समझा गया, इसीलिए इसको डिलीट कर रहे हैं। पंजाबी मिक्सर का मजा नहीं रहता, तो वही खा लो क्या। हम लोग का जो आनंद लेने का तरीका है, खासकर मिक्सर और लाल चाय, अपना तरीका है, अपना यही है, बाकी चीजों का वैसा ऐप नहीं है, बाकी वैसा कुछ खर्च नहीं है एक्स्ट्रा, जो आप लोग समझ रहे होंगे। तो ऐसे ही है, इसकी वजह से बचत थोड़ा सा बना हुआ है। हम लोग का चाय चालू हो गया है बनना। तो फिलहाल क्या है, जो रामलला है वो अकेला ही रहता है, इनकी धर्म पत्नी जी जो है वो राजपुर में रहती है, तो बिंदास जीवन व्यतीत कर रहा है ये फिलहाल यहाँ पे। और ये इसका किचन है जहाँ स्वयं ही दोपहर का और सुबह का खाना, रात का खाना एक ही बार बना लेता है कि बार बार बनाता है। एक ही बार नहीं बनाता, मैं शाम को चावल बनाता हूँ। और शाम को बनाता है फिर दिन भर खींच लेता है। सुबह नाश्ता, सुबह का नाश्ता हो जाता, दोपहर का खाना हो जाता होगा। हाँ, सुबह होटल में नाश्ता कर लेता हूँ। ऐसा और घर के बाहर कुछ ऐसा नजारा है, माहौल है। तो चाय बना के पी भी लिए, बढ़िया टेस्टी चाय था, नींबू का टेस्ट भी एकदम मस्त आ रहा था। तो बस ऐसे ही कभी कभी अपने दोस्तों के पास घूमने आ जाया करता हूँ, बढ़िया लगता है। जरूरी है ना। तो कभी कभी तेरे बारे में पूछते हैं, बीच बीच में कमेंट भी आता है रामलला कहाँ गया करके। तो ये बैठा हुआ है साइड में, चाय भी पिलाया है। तो फिर किसी दिन चाय का आनंद लेंगे, हो सकेगा तो बीच में और कुछ कुछ उसके साथ आइटम होगा, नहीं तो जब मन करे आ जाओ। हम लोग निकल पड़े हैं आज चिकनी पानी सौम्य की नानी के यहाँ, और आर्या भी वही है और उसको लेने जाने का प्लान है, और इसके बाद घूमने का भी प्लान हो जा रहा है, क्योंकि आज संडे है और संडे बागबाहर बंद रहता है। तो बंद रहने की वजह से हम लोग को आज मौका मिल गया थोड़ा सा घूमने का। 10 किलोमीटर का सिर्फ ये जर्नी है, लेकिन मजा रहा है। सियाज में नहीं, हम लोग मारुति वैन में है। तो पीछे मगन है और मैं गाड़ी चलाने में मगन हूँ, और ये लोग बैठ के नज़ारे देख रहे हैं। तो बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है।
पहुंचने वाले हैं चिकनी पानी, और इधर पूरा मक्के की खेती है, इधर भी मक्के की खेती है, और वो एकदम बिल्कुल आगे आप देख रहे होंगे पहाड़ का छोटा सा टीला है। हो सके तो हम लोग शाम को वहाँ घूमने के लिए भी जाएंगे। अभी वो बिल्कुल पहाड़ के टीले पे एक स्कूल भी बना हुआ है, यहाँ से कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहा है बिल्कुल, बाकी वहाँ डायरेक्ट जाके आप लोगों को दिखाएंगे। तो ये पहुँच गया निर्मल ग्राम चिकनी पानी। तो ये पीछे का नज़ारा है, और यहाँ मैं जान नहीं रहा था लेकिन तरह तरह के फूल पत्ती लगा दिए हैं मस्त। ये जैसे फैंसी कुछ शो पत्ता है, और बिल्कुल यहाँ का जो लोकेशन दिखेगा और इस लोकेशन के पीछे ये देखिए कितना मस्त शानदार व्यू है। एकदम बिल्कुल हरे भरे खेत के बीच में स्कूल है, वहाँ पढ़ने वाले बच्चों को कितना मज़ा आता होगा। पता नहीं क्या चीज़ का पौधा है। अच्छा, तो हमारी भौजी ने लगाया है ये सब चीज़। टेम्परेचर भी ठीक है, ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं हो रहा है, और भजिया वजिया खा के पेट एकदम टून हो गया है अभी, तो थोड़ा सा पचाने के लिए निकले हैं। क्योंकि हम लोग जहाँ भी रहते हैं, जैसे बागबार हो गया, चिकनी पानी हो गया, ये सब का एनवायरनमेंट जो है प्राकृतिक माहौल एक ही सा है, पूरे पेड़ पौधों से भरा हुआ है। किन लोग, और ये जो जगह आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे गाय बांधा जाता है। अभी पता नहीं गाय कहाँ घूमने गई है, पता नहीं है। तो ये उनका चारा है, और चल बाहर चलेंगे, यहाँ पे बढ़िया नस्ल की गाय भी है। ये अभी अभी नया बिल्डिंग बना है, यहाँ पे दुकान बनना है, और इस साइड पे और कुछ कुछ काम होने हैं। शेड लगने थे लेकिन अभी प्लानिंग चल रहा है, या तो शेड लगवा दें या तो ढलाई कर दें, तो देखते हैं क्या होता है। और ये देखिए बी फल रखा है यहाँ पे छोटा छोटा। तो वो मेरी सासू माँ और ये हमारी भौजी। इधर आ गया विशाल। आर्या अब पहुंच गई है घर, और सुबह के लगभग 6:30 बज गए हैं। गुड़िया उठ जा, गुड़िया उठ गई, और इधर बाबू सो रहा है क्या। अच्छा, गुड़िया उठते ही कुछ करना चाह रही, वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। कहाँ जा रही है गुड़िया? शरीर तो नहीं है लेकिन उनकी जो आत्मा है वो यहाँ बसती है।
जब छोटा था ना तेरे इतना बड़ा, मेरे को एकदम अच्छे से याद है। पाँचवीं छठवीं जब पढ़ रहे थे तो हम लोग जो है पैदल स्कूल जाते थे, और एक तो थैला जो 10 रुपये 20 रुपये मिलता है ना वैसा वाला मस्त है, पानी कंधे में टांग लेते थे, स्कूल में जाते थे, मस्त खेलते थे, अनार आम में, अनार आम तो पढ़ लिए थे, वो सब चीज़ करते थे। और उसके बाद शाम को घर आ जाते थे बहुत खेलने के बाद, और घर में आने के बाद ना जब तेरे इतना बड़ा था तो फिर कभी कभी संडे के दिन में छुट्टी के दिन में दादू की दुकान जाता था, झारपारा में दुकान खोले थे दादू का, कच्चे का दुकान, तो वहाँ पे मैं मस्त पैदल पैदल जाता था सुबह से, और एकदम टंच था। तुम लोग तो सिर्फ आजकल मोबाइल वोबाइल खेलते रहते हो, तो सिर्फ मोबाइल नहीं खेलते, हटा शरीर को भी चलाते हैं समझा, तो मस्त पैदल जाता था। और जो डब्बा आता है ना ऐसी खाली डब्बा नहीं, अमूल स्प्रे वगैरह का डब्बा, और उसमें साइकिल के जो ट्यूब का जो छुच्छी होता है ना